आप सबको स्वागत है। आज हम 19 जुलाई की शुरुआत में आ पहुंचे हैं। कर्मों की ऐसी गति है, गुहे गति, जो कि अगर हमें पता ना हो तो हमें धर्मराजपुरी को फेस करना पड़ता है। और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि धर्मराजपुरी कोई ऐसी जगह है जहां पर हमें सजाएं मिलती हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं अभी के अभी हम जो विकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उसकी हमें जो भासना होती है, फीलिंग होती है, जो तड़पन होती है, जो कर्मों का हमें वापस रिबाउंड होकर के आता है इफेक्ट, उसका वही हमारे लिए धर्मराजपुरी है। यही संसार हमारा धर्मराजपुरी है, कोई और जगह नहीं है वो। तो परमात्मा कहते हैं कर्मों की गोह्य गति को के ज्ञाता बन धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जीत भवा, विकर्म के ऊपर जीत पाने वाले। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। तो ऐसे नहीं कि धर्मराज कोई और जगह है, कोई और जहां पे हम जाकर के हमें फेस करना, नहीं, एक लॉ है जिसके अनुसार ये चल रहा है संसार। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये सारी चीजें जो भी प्रैक्टिस करता है वही धर्मराजपुरी को महसूस करता है इसी जन्म में, इसी सेकंड में। आप किसी के बारे में गलत सोचिए एक सेकंड के लिए, किसी के बारे में घृणा रखिए एक मिनट के लिए, आपको उसी समय धर्मराजपुरी के भासनाएं, भावनाएं आनी शुरू हो जाएंगी। और वो भावनाओं के कारण आपकी जो फीलिंग्स होंगी उस समय, वो आपकी जो तड़पन की, हेट्रेड की, शांति से दूर होने की जो भावनाएं होंगी, फीलिंग्स होंगी, वही आपके लिए धर्मराजपुरी है। जिस कारण से आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, आपका मानसिकता बिगड़ती है, आपका मूड बिगड़ता है, आपका काम बिगड़ता है, परिवार बिगड़ता है, यही आपके लिए धर्मराजपुरी है। फिर परमात्मा कहते हैं बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है, लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। तो हम कहते हैं यमदूत कहते हैं, कोई जमदूत कहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं यमदूत कोई नहीं है, जो कि हमने किए हुए कर्म है, पाप कर्म किए हैं, वो फीलिंग्स जो हमारे अंदर स्टोर हुई हुई हैं वही हमारे सामने आती है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्योंकि अभी हम कॉन्शियसली इतने एक्टिव हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन से छोटे छोटे पाप कर बैठते हैं, क्योंकि हम चेतना में इतने फिजिकल कॉन्शियस वर्ल्ड में इतने ज्यादा हम लिप्त हो जाते हैं। ये चाहिए, वो करना है, ये प्राप्त करना है, वो हासिल करना है, इसको समझाना है, इसको ऐसे करना है, इसको वो बतवाना है, ऐसे ये काम निकलवाना है, ऐसे ये करना है, कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम कॉन्शियसली क्या क्या कर्म कर बैठते हैं। और फिर जब लास्ट का समय आता है, महाविनाश या महाकाल का समय आता है, उस समय जब कुछ काम करने के लिए नहीं रह जाता है, चारों तरफ तराई तराई होती है, तब हमारे सामने वो सब कुछ ऐसे फ्लैशबैक की तरह से हमें सामने जाता है। तो परमात्मा कहते हैं बहुत ध्यान रखो इन चीजों का। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। वैराग्य तो होगा क्योंकि ना बाल बच्चे, ना भाई बहन, ना माता पिता, ना हस्बैंड वाइफ, कोई भी हमारे साथ नहीं दे पाता उस समय। कोई भी जिसको हम अपना मान रहे हैं, जिसके लिए हम इतना कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपने आपको मोल्ड कर रहे हैं, जिसके लिए हम मुरलियां मिस कर रहे हैं, जिसके लिए हम मेडिटेशन मिस कर रहे हैं, जिनको अपना कहते हैं, वही लास्ट में काम नहीं आते हैं। सोचिए अभी से क्यों ना वो प्रैक्टिस करें कि मैं फर्स्ट, आई फर्स्ट, मी फर्स्ट एंड परमात्मा फर्स्ट, बस मेडिटेशन, मुरली, इस चीज को आगे रखें, क्योंकि लास्ट में कोई व्यक्ति काम नहीं आएगा। इसलिए महाभारत में कहा है कि हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े, द्रोणाचार्य, सारे जितने भी कौरव है तुम्हारे भाई, ये सब मरे पड़े। मरे पड़े मतलब क्या हुआ कि लास्ट का समय जब आएगा, जो कि हमारे हिसाब से, परमात्मा के हिसाब से, ब्रह्मा के हिसाब से 12-13 वर्ष सब रह गए हैं, तो आगे जैसे जैसे और त्राही होती जाएगी, तो आपके खुद के ही रिलेटिव्स आपके पास नहीं हो पाएंगे, आपके खुद के साथी आपके साथ नहीं हो पाएंगे। उस समय कोविड के टाइम पे कौन किसका साथी रहा? किसी के पेरेंट्स, किसी के माँ बाप कहीं और मर रहे थे, किसी के भाई बहन कहीं और मर रहे थे, जा भी नहीं पा रहे थे। तो परमात्मा कहते हैं ये रिहर्सल है सर, ये तो आपको एक छोटा सा एक नजारा दिखाया है। ऐसे ही आपका महाविनाश का, जब धार्मिक लड़ाइयां होंगी, सिविल वॉर होंगी, उस समय आप क्या करोगे? तो उस समय वैराग्य आएगा कि अरे मैंने क्या किया, मैं किस लिए इतना धन के पीछे भागा, मैं किस लिए इतना इन लोगों की मैंने सेवा करी, सहायता करी, आज ये है ही नहीं मेरे सामने आसपास। इसलिए परमात्मा कहते हैं छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं उस समय, पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्माजीत बनो। सबसे श्रेष्ठ कर्म है परमात्मा की याद। जब शरीर ठीक होता है, जवानी होती है, तंदुरुस्त होते हैं, उस समय हम दुनिया के पीछे भागते रहते हैं। जब 60-70 पहुंचते हैं, जब बीमारी आनी शुरू होती है, तो बोलते हैं फिर भगवान भगवान फिर करते हैं। और एक बड़ा अच्छा जोक भी बनाया किसी ने, बोला है कि जब दांत नहीं होते तो उस समय राम राम तो बोल नहीं पाते, उसे उस समय लाम 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 बोलते हैं, तो उसको भी कोई फायदा होता नहीं है। परमात्मा कहते हैं इसलिए जब शरीर ठीक हो, स्वस्थ हो, उस समय इसका फायदा उठा लो, परमात्मा को याद करो, अपने संस्कारों को बदल लो, क्योंकि बुढ़ापे में जब 70-80 पहुंचते हैं तो बहुत मुश्किल होता है अपने संस्कार को बदलने का। 60-70 के बीच में फिर भी आप कर सकते हैं, 50-60 के बीच में फिर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन 70 को क्रॉस करेंगे 72 तो बहुत मुश्किल होता है संस्कार को चेंज करने के लिए। उस समय योग नहीं लगता, उस समय शरीर खींचता है।
तो सही समय पर, सही टाइम पर अभी भी वक्त है, शरीर है, सांसें चल रही हैं, टांग वांग चल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, आंखें चल रही हैं, हर चीज़ चल रही है, सब कुछ मिल रहा है, इस समय ही पुरुषार्थ करने का समय है। ओम शांति इसके साथ।